नमस्कार मध्याह्न खबर को स्वागत प्रथमे हेडलाइंस जलेशपुटा कन्याश्रम परिचालकों को आज पुणी हत्या धमक 24 घंटा मध्य दुईथर धमक पर आश्रम रे बढ़ला सुरक्षा एपटे जलेशपुटा रे पहुंचला सात जुनिया बीजेपी टीम विधर्मी चापरे राज्य सरकार स्वामीजी को धमक पर बिजेडी उपरे बरसला विश्व हिंदू परिषद आश्रम रे कड़ा सुरक्षा दाबी कला भीएचपी गाया मेलाउछि कोरोना नुआ स्ट्रेन को नहीं बढ़ुछि भय देश में नुआ स्ट्रेन रे 240 नुआ संक्रमित महाराष्ट्र पंजाब केरल रे बढ़ुछि संक्रमण सतर्क न रहिले ओडिशा रे भी फेरी पारे लॉकडाउन पांच राज्य में निर्वाचन पूर्व बीजेपी महामंथन दिल्ली में बीजेपी वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जेपी नड्डा शाह उपस्थित एसटीएफ हाथ में ब्राउन सुगर माफिया आठगड़ अंचल धला जहर जबत कला एसटीएफ दुई गिरफ जबत ब्राउन सुगर मूल्य 7 लाख रु अधिक गल्लापाट अभयारण्य में थमुनी हाथी मड़क आउ एक छुआ हाथी मृतदेह ठाब सात को वृद्धि पाला मृत्यु संख्या सेपटे स्थिति अनुधान कर आज फेरी था तीनजिया केन्द्रीय टीम भद्रक डगमुंड निकट में सेक्स रैकेट ठाब चारि महिला दुई पुरुष को उठाई नेला पुलिस जनक घरे चलुला सेक्स रैकेट खबर पाई चढ़ा कर पुलिस उपनिर्वाचन पूर्व राजनैतिक हिंसा पिपिली नुआ शासन में भोटर को प्रभावित करुवा अभोग दुई गोष्ठी मध्य गंडगोल तीनज महिला कैपिटल हस्पिटाल रेफर शेषे भारत और चीन मध्य दशम सामरिक स्तरीय आलोचना पूर्व लदाखु सैन्य अपसारण फोकस पूर्व राजीनामा अनुसार पांगंग ह्रद निकटू सेना अपसारण कर सारी चीन फुलवाणी जलेशपटा कन्याश्रम परिचालकों हत्या धमक अजणा फोन कल रे कन्याश्रम परिचालक स्वामी जीवन मुक्तानंद पुरी को धमक मिली एने तुमुड़बंध थाना एतला देखते स्वामी जीवन मुक्तानंद पुरी थाना एतला सुरक्षापाई कन्याश्रम पहुंचला पुलिस 2008 में कन्याश्रम परिचालक लक्ष्मणानंद सरस्वती को हत्या कर अजणा नंबर रु आसला फोन कल सुरक्षापाई थाना एतला देले बाबा कंधमाल जिला तुमुड़बंध जलेशपटा आश्रम मुख्य को हत्या धमक दि जाएगी आश्रम दायित्व जीवन मुक्तानंद पुरी बाबा एभरी धमक दि जाएगी कौन से अजणा नंबर रु फोन आसी हत्या धमक मिली एने संपृक्त आश्रम मुख्य थाना एतला देवापर पुलिस तनाघना आरंभ कर घटना अनुसार आज सन्ध्यारे स्वामीजी को एक फोन कल आसला जलेशपटा तुम आश्रम को चार दिन भितर ध्वस्त कर उड़ेदेबु आमको भी समाप्त करदेबु आम बहुत उछलकूद कर हिंदी में कहते कथा से फोन काटे आ मोर इच्छा जे एत साहस केमती है जो भी 2008 में पाँच जन को मरा जाए पुणी एत पुणी आज साहस कर आश्रम को जो मैंने परिचालना कर समाज कल्याण कर छुआ मान पाठ पढ़ाऊ सत्संग कर कौन अपराध हो गला देश में बचा एति आम पाखे अधिकार नहीं आम काम आम करने सुरखुर शांति निर्भीक है मत निर्भीकता दरकार सुरक्षा दरकार तेज फोन में कहुई आसंता किसी दिन मध्य बाबा को हत्या करने बाबा थाना एतला आश्रम सुरक्षा को कड़ाकड़ी कर दि जाएगी तेज पूर्व 2008 मसीह अगस्त 22 तारीख में आश्रम रोकवा स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को यह धमकपूर्ण चिठी आसाला यार गोटे दिन पर दुर्बृत मैंने आश्रम मध्य पशि सरस्वती को हत्या करते कंधमाल इशाक प्रधान का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कन्याश्रम परिचालकों आज भी धमक आसीथिबा जनापड़ी हत्या सह आश्रम उड़ाई देवाकू धमक आसी अनेपटे धार्मिक धमक मिलबा परे आश्रम पहुंची बीजेपी सात जनिया टीम एही टीम रे दुई जना विधायक मुकेश महालिंग कुसुम टेटे अछंती सेपटे धमक को नहीं राज्य सरकार को टारगेट करीछि भीएचपी
विधर्मी चापरे राज्य सरकार कही बीजेडी उपरे बरसिला विश्व हिंदू परिषद जलेशपटा कन्याश्रम मुख्य स्वामीजी को अजणा फोन रे हत्या धमक नहीं भीएचपी राज्य उपसभापति पंडित महेश साहू प्रतिक्रिया रखिछन्ते। 2008 स्वामी लक्ष्मणानंद को फोन रे धमक आसीथिला सेतेबेले राज्य सरकार धमक को हालुका भावे ग्रहण करथिले। 12 वर्ष हला मुख्य अभियुक्त फेरार अछन्ती एबे भी पुणी हत्या धमक आसुछि सेबेले स्वामी जीवन मुक्तानंद पुरी को सुरक्षा दाबी करिछि भीएचपी। जलेशपटा कन्याश्रम रे कड़ा सुरक्षा दाबी करिछि विश्व हिंदू परिषद। दुई दिन रे दुई थरो स्वामीजी को धमक मिलिछि। आज पुणी स्वामी जीवन मुक्तानंद पुरी जी विश्व हिंदू परिषदर केन्द्रीय मार्गदर्शक मंडल सदस्य तथा तुमुड़ीबंध स्थित जलेशपटा शंकराचार्य कन्याश्रम दायित्वर अच्छा गत काली हत्या धमक आसला पुणी आउ थ आज पुनर्वार हत्या धमक आसी एवं पुलिस स्टेशन एथिपाई गत काली स्वामीजी एफआईआर सारी किंतु दुर्भाग्यर कथा जमी लगुच सरकार या उपर संवेदनशील नहांती तेणु आमर कहिबा कथा हला सरकार तुरंत या उपर संवेदनशील हुंतु एवं पूज्य स्वामीजी को यथोचित सुरक्षा देवा सहित आश्रम को सुरक्षा दिंतु नचे आगामी दिन में एपं जो आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि हे कारण पूज्य साधु संत हिंदू समाज होती सबुठू सर्वोच्च एवं सेने पति सेमानंक उपरे एभली बारंबार आक्रमण ओडिशा माटीरे आउ चलिबो नाही एथिपई तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करा जिवो हजार हजार जनसाधारण हिंदू समाज राजरास्ता को उठिबो आगेइबो आंदोलन करिवो एथिपई जहां भी घटना घटिबो राज्य सरकार संपूर्ण भावे दायी रहिबे। आज समय अछि राज्य सरकार तुरंत या पर हस्तक्षेप करंतु एवं पूज्य स्वामीजी को एवं आश्रम को सुरक्षा दियंतु आउ जो माने दोषी सेमानंक विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान करंतु एवं माननीय मुख्यमंत्री को आम कहवाई चाहूँ ए घटन से सामना को आसतु संवेदनशील हूँ कारण ए देशर धनजीवन ए राज्यर धनजीवन सुरक्षा दायित्व हाथ में तेणु से चुप न रही न सोई एवं जाग्रत होवार आवश्यकता अच्छी ना आगामी दिन में भयंकर परिस्थिति सृष्टि हो राज्य सरकार। पूज्य स्वामी जीवन मुक्तानंद पुरी को प्रति जो धमकपूर्ण फोन कल अत्यंत दुर्भाग्यजनक एवं सरकार ए दृष्टिकोण निरवता आहरी दुर्भाग्यजनक ए दृष्टिकोण उपयुक्त पदक्षेप शीघ्रातिशीघ्र नवा दरकार कारण गत थर स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जो समय ए प्रकार दुर्घटना घटला से धमकपूर्ण चिठी आसी फोन में धमक आसला तापर सरकार निरवता कारण गोटे बहुत बड़ क्षति समाज घटला साधु संत मान प्रति जो प्रकार सद्भावना समाज रहा दरकार से दृष्टिकोण सरकार शीघ्रातिशीघ्र या परे उपयुक्त पदक्षेप नवा आवश्यक नचे कौन सी प्रकार दुर्घटना यदि घटव ता बहुत बड़ दुखद समाचार हम ए दृष्टिकोण सरकार उपयुक्त पदक्षेप शीघ्रातिशीघ्र ग्रहण करंतु एतिके हमर निवेदन। ज्वाई को गाँ दंड में बांधि निस्तुक माड़ इलेक्ट्रिक पोल रे बांधि माड़ मारी ग्रामवासी कोरापुट सिमलीगुड़ा थाना अंचल वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल होई रेंगा पंचायत मालीगुड़ा गाँव लक्की खरा विरोध में झीघर लोके जौतुक निर्यातनार अभोग आनी कौनसी एक कम लक्की खरा शशुर घर को कौन कारणवशतः जाता से सेठारे गाँ लोके इलेक्ट्रिक खुंटर बांधि निस्तुक पिटिछते पांच राज्य में निर्वाचन पूर्वर बीजेपी महामंथन नूआदिल्ली में बीजेपी जातीय अधिकारी बैठक आरंभ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्षतार यह बैठक बसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामिल होती विभिन्न राज्य में विधानसभा निर्वाचन पर बीजेपी किपर प्रस्तुत होार हिसाब रखा यह बैठक उद्देश्य पूर्वाह्न 10 संध्या 5 जाए यह बैठक चलो बैठक में बीजेपी सब् प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी सहप्रभारी सब् प्रदेश संगठन महामंत्री उपस्थित अच्छा
देशर पांचटी राज्य में अचानक कोविड संक्रमण वृद्धि पाई। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण हठात बढ़िबारु नुआ कटकणा जारी होई। महाराष्ट्र में दैनिक संक्रमण मामला लगातार बढ़ी चली। आज महाराष्ट्र में 6112 नुआ मामला चिन्हट होई। मुंबई में संक्रमण बढ़िबारु कटकणा कड़ाकड़ी करा जाई। मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक करा जाई छि। लोके नियम न मानिले लॉकडाउन फेरबो बोली सरकार सतर्क कराई दिछंति। केरल रे मध्य गत 24 घंटा मध्य रे 4505 मामला चिन्हट होई। देशर मोट सक्रिय मामलार 85% मामला केरल, महाराष्ट्र एवं केरल रे रही। अन्यपटे उपरोक्त पांच राज्य में 78% नुआ कोरोना मृत्यु होता जमापड़ी। गत सात दिन में छत्तीसगढ़ और पंजाब में संक्रमण बढ़ी। विगत 24 घंटा मध्य पंजाब में 383 और मध्यप्रदेश में 297 नुआ संक्रमण मामला चिन्हट हो। शिक्षा विभाग सतर्क अच्छी। कोरोना संक्रमण को नहीं सतर्क अच्छी शिक्षा विभाग। एने स्कूल और गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास सूचना देते। कोविड रो सटीक परिचालना करी सफलता मिली। गतकाली सचेतन रहा मुख्यमंत्री अपील करते एवं आमे समस्त सतर्क रहा आवश्यक से कहते। तेज परिस्थित आसे स्कूल बंद कि लॉकडाउन संपर्क में चिंता होती। एसओपी नहीं स्कूल चली आगक व्यवस्था देखि विचार कर सूचना देते। बर्तमान सेपरी भाव में सिचुएसन आसनी से आधार करते कथे आसा आपण मैंने जो बारंबार एक रु आठ कथ पचारती आम घटना हो संभावना को जो आसी आधार कर संपर्क निष्पत्ति नवर आम पर्यटन हित विभाग उपलब्धि करना बट जो गुड़िक कंटिन्यू करुचे से गुड़िक बर्तमान से संपर्क में आम भावचे से जो आम कहीं आम पूरा कॉविड जो गाइडलाइन दि जाए आम ओसे एसओपी जो दिखाई समस्त स्ट्रिक्टली फलो करने कहुई नोडाल अफिसर मैंने जाकर फलो करते जिला गस्त मानक जा दृढ़तार सहकार कार्यकारी कराऊे तेणु से संपर्क में मुझे आई डोंट फिल आ बर्तमान किसी रिव्यू दरकार पड़े कि विशेष परिस्थिति किसी आसे से संपर्क में चिंता करा निश्चित भाव में अलरेडी आम जो एसओपी देचु से एसओपी अनुसार से कार्यक्रम अच्छा मास्क पिंधा हो सब स्कूल आपे सोशल डिस्टेंस अच्छी तार कोविड समस्त गाइडलाइन को फलो कराऊे और से फलो करा फल आज सेपर किसी समस्या हम पाकुला आसे सर जो पांचटी राज्य रे अधिका पडुछि तादरे छत्तीसगढ़ मध्ये आसी गेलानी पडोसी राज्य तेनु जो स्कूल गुडी अछि आगु परीक्षा ऋतु मध्ये आसुछि देखा कथा हूँ जिते कौन समय अवस्था आसूसी कौन संभावना आसूसी देखला पर संपर्क में विचार करवा उचित हे एवं किसी कह उचित हम ना कि डिपार्टमेंट आलर्ट अच्छी आरंभ रु आम द डे वन रु आर आलर्ट। मलकानगिरी लालबाहिनीर तांडव पुणी थरे निज उपस्थिति जाहिर करिछंती माओवादी। माथिली थाना अंतर्गत गुआ गुगापदर निकटस्थ जंगल रास्तार विस्फोरण घटाइछंती माओवादी। आईडी विस्फोरण में जड़े जवान आहत होता सूचना मिली। पुणी मातिले ब्राउन सुगार माफिया। आठगड़ अंचल ब्राउन सुगार जबत कला एसटीएफ। पुराणा कटक संबलपुर रास्ता आंकुला ठारे पारिजात होटेल 175 ग्राम ब्राउन सुगार जबत करा होटेल मालिक प्रशांत साहू और जड़े कर्मचारी को गिरफ्त कर एसटीएफ। जबत ब्राउन सुगार मूल्य 7 लाख टंका हेबो बोली जना पड़ी। काली राति 9:30 रु 10:30 मध्यरे सीज करा जाइछि। सेथिरे अच्छी दी जना आसामी अरेस्ट होती विकास स्वाई आलियास बेड़ा ता घर होची अमलपड़ा आ गोटे हूँ प्रशांत कुमार साहू ता घर हूँ तलसाई आठगढ़ से पाखरु 174 ग्राम इनक्लूडिंग कंटेनर ब्राउन सुगार सीज होती। ता छड़ा 5200 टंका आउ 580 टंका जन ठारु 5200 टंका जन 580 टंका सीजर होती। दीटा मोबाइल सीजर हो गोटे डिजिटल विंग मेसीन सीज होने पारिजात जो होटेल अच्छी बीरकिशोरपुर से लुचि छपी करते आकचुअली प्रोक्योरमेंट जगह हूँ खोर्धा से खोर्धार आने की लुकायित भाव में बिक्री कर एसटीएफ टीम टोटाल आसला काली चढ़ऊ करी ये जिनस गुड़ाक सब जबत कर कनेक्शन रे आठगड़ थाना पीएस केस नंबर 34 डेटेड 21/2/2021 अंडर सेक्शन 20B
2009 NDPS Act रे केस हैछि। रायरंगपुर रे ब्राउन सुगर सहित व्यापारी गिरफ। मयूरभंज जिला रायरंगपुर टाउन थाना बस स्टैंड रो ब्राउन सुगर जबत करा जायछि। सेमानको ठारु 6.70 ग्राम रो ब्राउन सुगर जबत करबा सह अभियुक्त को गिरफ करिछि टाउन थाना पुलिस। अभियुक्त युवक जनक हेउछन्ती झारखंड राज्य रो आदित्यपुर रो अब्दुल क्वेम। उक्त युवक जनक झारखंड रो आसी रायरंगपुर रो अंचल रे ब्राउन सुगर बिक्री करूथिला। खबर पाई पुलिस बाइक रे आसी रायरंगपुर बस स्टैंड रे डील करबा पूर्वरु पुलिस चढ़ाव करी ब्राउन सुगर जबत करबा सह अभियुक्त को गिरफ करछि। कलाहांडि कलापाट अभयारण्य रे थमुरी हाथी मड़क आउ एक हाथी छुआर मृतदेह ठाब करा जायछि, जहाँ को नहीं मृत्यु संख्या वर्तमान 7 को वृद्धि पाइछि। सेपटे स्थिति अनुधान करिछन्ति तीन जणिया केन्द्रीय टीम। आज फेरी जिबार समय रहितला। घुसुरीगुड़ी तेंतुलीपदर आज आदि अंचलरु हाथी मृत्यु घटीथिला। चलित मास फेब्रुआरी 1-14 तारीख मध्यरे 6 गोटी हाथीर मृत्यु घटीछि। हाथी मृत्युर कारण ओयुएटीर प्राणी विशेषज्ञ टीम ओ पशु विभाग अतिरिक्त निर्देशक साहाण भूताणु संक्रमण बोली प्रकाश करिथिले, जहाँ स्थानीय अंचलर गृहपालित पशुर मृतदेहरु हाथीकु व्यापिथिबा तथा ओडिशा एभली संक्रमणर प्रथम घटना बोली विशेषज्ञ प्रकाश करिथिले। किंतु आज आउ एक हाथीर मृत्यु समस्तक चिंतार कारण पलटिछि। शीतदिन आरंभरु सुखिलाणी महानदी पानीय जलकु नै चिंतारे बौद्धवासी। स्थिति एभली होईछि जे विस्तीर्ण बालुका मरुभूमि पालटिछि महानदी पीठ। तबे एबेठु चिंता नकले आगकु उत्कट रूप नेबो पीबा पाणी। आसंतु देखिबा बौद्धरु एही रिपोर्ट। सुखि जाउछि ओडिसार जीवनरेखा। बौद्ध जिलार मनमुंडाठारु मारडा पर्यंत प्राय 110 किलोमीटर सीमाकु लागि प्रवाहित हेउछि महानदी। विगत बन्यारे कूल लंघन करुथला महानदी। गोटिए स्रोतरे प्रवाहित होउथला हजार हजार क्यूसेक जल। नदी में रहुथला अकात अकात पानी, किंतु एबे सेठारे आंठुए भी पानी नाही। शीत दिन आरंभरु जल स्रोत कमिबारे लागिछि। विस्तीर्ण बालुका मरुभूमि पाल्टिछि महानदी पठा। आगकु खरा दिन आसुछि। जल स्रोत कमिबार देखि एबे चिंतारे बौद्धवासी। खाली सेतिकी नुहे, महानदी उपरे निर्भर करुथुबा माछ चासी भी परिवार प्रतिपोषण करबा नै चिंतारे। इछन या पूरा बंद करिकि पूरा पानी सुखी जे कि महानदी जे आमर माछ कंगरा सब पूरा बंद हे जे आउ किछु करबा नै। बाहरिया जहाँ व्यवसाय करिकि चलु न, एबे आगो पानी थिला या एबे पूरा पानी सुखी जे आउ किछु करि पारु नै। बन्या परे महानदीर ई अवस्था। शीत दिन जदि पानी पाइबा लगे जाइपाइलु कि देवता भूत पानी टिके जाइपाइले, तबे खरा दिने काणा हबा ता जानबा कथा। कलेक्टर को जते कहिले मध्ये कलेक्टर के कुड़ाकुड़ी करबा कोनी पानी टिके आनबा कोनी। एटा होजे महानदी, ये होजे ओडिसार जीवन रेखा, ओडिसार बड़ नदी। किंतु ओडिसार बड़ नदीर अवस्था ई कंकाल सार होइगला। भल भावे देखु दृश्य को। जलस्रोत कमिजार जल जोगाण विभाग करणीधार शुखाक लगला। एवं देखु दृश्य को, यह बौद्ध सहरांचल को पानीय जल जोगा जल जोगाण प्रकल्पर दृश्य। महानदी में जलस्तर कमि जाहरवासी जोगा जल जोगाण विभाग। अंपटे जल विशोधन प्रकल्प कार्यक्षम है। पानीर स्रोत को प्रति वर्ष भली कूल को अणाजीव। आगो को विभागीय अधिकारी सह आलोचना करी उचित पदक्षेप ग्रहण करा जीव बोली कहिसंती जिलापाल। महानदी कूल थी भी बौद्धवासी सब बेले पानी नहीं पाइबा को पीवा पानी अभाव सब बेले। महानदी को लेकिन राजनीति खाली बहुत तरह सीना राजनीति करुंच लोक, किंतु फलाफल किसी ना। निर्वाचन आसिले महानदी ताति देखा जाऊँ, निर्वाचन सरीगले महानदी को लोक भूली जाऊँ नेता मैंने। बर्तमान शीत दिन सुखी सारा, आगे खरा दिन अच्छी अवस्था कौन हम ठिकना नहीं आकर समस्त बर्तमान चिंतित। प्रशासन आ राज्य सरकार जदि त्वरित पदक्षेप ने आग को परिस्थित भयंकर हम। आम पानी जल बर्तमान आम जो या बहुत बड़ विशोधनागार से तो कार्यक्षम है। कथा रही पानी आम सोटा टी दूर को पड़ोस तेनाली निश्चित भाव जमी प्रत वर्ष करा हुए से आम नईर सो को पानी एपर को आणिकी आम कर।
ମହାନଦୀ ଶୁଖି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସହରାଞ୍ଚଳବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ସମାଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଝାକ୍ରିପାଲି ଗାଁର ଦ୍ୱିତୀୟା କରୁଣା ଓ ପୁତୁନା କରୁଆଙ୍କର ଉଭୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସହାୟତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ନାକୁ ମାତ୍ର ଯୋଜନା, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ, ଲାଭ ଉଠାଉଛି ଆଉ କିଏ? ନା ରହିବାକୁ ଅଛି ଘର, ନା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଖଣ୍ଡ ଉପଖଣ୍ଡ ଝାକ୍ରିପାଲି ଗାଁର ଦ୍ୱିତୀୟା କରୁଆ ଓ ପୁତୁନା କରୁଆ। ବୟସ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛୁଇଁଲାଣି। ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟାଙ୍କ ଗୋଡ଼ବଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତୁନା ମୁକବଧିର। ଚାରୋଟି ପୁଅ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ। ଏମିତିରେ ଦୁଇଓଳି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଘର ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ପରଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଏପରି ଦମ୍ପତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ବି ମିଳୁନି ଭତ୍ତା। ମୁଁ ଭିକ ମାଗେ ଖୋଉଛେ, ସରକାର କିଛି ନାହିଁ, ଘର ନି ଦ୍ୱାର ନି କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଇଛେ, ଯାହାକି ବିଷ୍ଣୁ ଘରଠାନେ ସେ ଜାଗା ଦେଇଛେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଇଛେ, ସେଠାନେ ରହୁଛେ। ଆମ ମ୍ୟାଜି କୁନିଟା, ମୁଁ ଛୁଟାଟା। ଇମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ଖାଉଛନ୍ ଗୋ, ବଜାର ବଜାର ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାଏସନ୍, ଆରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ଖାଏସନ୍। ଗାଁ ଗାଁ ବଜାର ବଜାର ଯାଏସନ୍, ଭିକ୍ଷା ମାଗସନ୍, ଆରୁ ତୁନ୍ ଶାଗ ମାଗି ଯାଏସନ୍, ଗାଁ ଗାଁ ଭିକ୍ ମାଗି ଯାଏସନ୍। ତାର୍ ମେ ହେଇଛି କୁନ୍ଦିଟା, ତାର୍ ହେଇଛି ଛୁଟାଟା, ଆରୁ କବାର କମ୍ ବୁତି ଦୁ କରିପାରନ୍ନି କି ଚଉଲ୍ ବି ଦେବାନି, ବୁପରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ଖାଉଛନ୍। ତୁନ୍ ଶାଗ ବଜାର ବଜାର ଯାଏସନ୍, କପଡ଼ା ନି ଲତା ନି ଗୁଲଗୁଲା ହେଇଯାଇଛନ୍ ବୁପରେ। ସରକାର କଲନି ଘର ଗୋଟେ ଦେବାର କଥା କିନି? ଦ୍ୱିତୀୟା କରୁଆ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଝାକ୍ରିପାଲିରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ପରଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ସହ ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଏହି ଅସହାୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସତେ ଯେମିତି କାହାରି ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଗିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଭିକା ଭୁକି ମାଗି ମାଗି ଚଳୁଛନ୍, ବଜାର ବଜାର ଗାଁ ଗାଁ ଯେଗେରି ଘର ଘର ଯେଗେରି ଭିକା ମାଗି ଚଳୁଛନ୍। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପିଣାରେ ଥିଲେ, ପିଣାରେ ଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ଯେ ଆସିକି ଆମର ଆମେ କ୍ଷେତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହୁଛୁ, ଏନ୍ତା କ୍ଷେତ ଜାଗାରେ କୁଡ଼ା କୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଦୋକାନ ଆମର ଦେଇକରି ଏନ୍ତା ରହୁଛୁ, ବୋରୁଗୁଡ଼ା ଯୋଗେଇକରି ଚାଷବାସ କରୁଛୁ। ସେନ ଆମେ ତୁଲିଆ ତଲେ ଦେଇଛୁ, ଜରି ଆଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକରେ ସେ ରହୁଛେ। ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ନି, କୌଣସି ଚଉଲ ନି, କିଛି କିଛି ନି, ସେମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ଗୋଟେ ଛୁଟାଟା ଗୋଟେ ମାନେ କୁନ୍ଦିଟା, ତାଙ୍କର କିହେ କିହେ ନାଇଁନ ବୁଝିଲେ। କୌଣସି ସରକାର ନ ଜାଣି ହେବା, କୌଣସି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଜାଣିବା, କୌଣସି ସରପଞ୍ଚ ନ ଜାଣି ହେବା, କୌଣସି ମାନେ ବଡ଼ ସ୍ୟାନ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ବି ନ ଜାଣି ହେବାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହା ପାଇଁ? ଏଠାରେ ଅସହାୟତା କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସରକାରୀ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଉଛି କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟା ଓ ପୁତୁନାର ଅବସ୍ଥା କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତା। ଝାକ୍ରିପାଲି ଗାଁର ତୃତୀୟା କର ପରିବାର ପାଇଁ ଯୋଜନା ଦୂରରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ସରକାର ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଭତ୍ତା ଘର ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟାକରଙ୍କ ପାଇଁ ନା ମିଳୁଛି ଚାଉଳ, ନା ଘର, ନା ଭତ୍ତା। ପରଘର ପରଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ରହିଛି ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ସରିଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।